हाय दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी शक्ल पे अभी मेकअप है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो यूट्यूब के लिए ट्यूटोरियल शूट कर रही थी। तो थोड़ी बहुत बीबी क्रीम है लिपस्टिक से और हल्का फुल्का स्मोकी आई है, मस्कारा है वाटरप्रूफ, इसको हम रिमूव करेंगे। वैसे डेली बेसिस में मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ, बट कभी कभी वीक में एक दो बार कर लेती हूँ, दो बार भी नहीं एक बार ही करती हूँ, अनलेस आई एम शूटिंग अ वीडियो। तो ये जो आज मैं स्किन के रूटीन दिखाऊंगी, ये ₹10 में क्यों है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है सारे घरेलू प्रोडक्ट्स है, एक दो ड्रॉप में यूज़ करूंगी। ये ₹10 नहीं, ये तो ₹1 होना चाहिए। तो इस रिमूव मेकअप को हटाने के लिए मैं एक ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल यूज़ करूंगी। अगर सेंसिटिव स्किन है तो यूज़ करें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, अगर मेकअप नहीं लगाया हुआ है तो फेस को क्लेंस करने के लिए, मेकअप रिमूव करने के लिए नॉर्मली आप रॉ मिल्क कच्चा दूध का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप नॉर्मल बेबी ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, एमंड ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल के साथ अपने कॉटन पैड में लेके इसको रिमूव करूँगी। उसके बाद मैंने आजकल एक नई चीज़ कर रही हूँ, आई एम स्टॉप्ड यूजिंग फेस वॉश। तो आई विल शो यू मैं आजकल जो स्किन केयर रूटीन है, ये मैं 3 हफ्ते से इसको फॉलो कर रही हूँ और मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर करूँगी। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सस्ता स्किन केयर दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर दिस 3 वीक्स। इससे सस्ता मैंने आज तक कोई स्किन केयर रूटीन रिलीजियसली फॉलो नहीं किया है एंड आई एम रियली लविंग इट। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी आपको, बट टिल नाउ फॉर द लास्ट 3 वीक्स आई हैव लव्ड इट। आप देखते रहिए, आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा ये स्किन केयर रूटीन। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें, जो रेड बटन होती है उस पर क्लिक कर दीजिए। मुझे आप इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडियाज लाइक फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो एंड नीचे कमेंट शेयर करना, लाइक करना तो बनता है। ठीक है, आप देखते रहिए कि ₹10 के अंदर आप ये डेली स्किन केयर कर सकते हो, ₹5 के अंदर या ₹1 के अंदर, जो भी आप इसे कह लो। मैंने ₹10 लगा क्योंकि वो टेंटेटिवली ठीक लगता है, ₹10 तो बनी जाएगी। सो एक्साइटेड टू शेयर दिस विथ यू एंड आई एम रियली लाइकिंग द स्किन केयर रूटीन। सबसे पहले अपने फेस को क्लेंस करेंगे और अपना मेकअप रिमूव करेंगे, देखते रहिए। तो सबसे पहले मैंने अपना हेयर टाई कर लिया है, अब अपने तेल को ले रही हूँ मैं हाथ में, 3-4 ड्रॉप, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमूव इवन योर वाटर प्रूफ मस्कारा, क्योंकि मैंने अभी वो लगा के रखा है। सो ये मैंने हाथों में मसल लिया। क्या भूत जैसी लग रही हूँ मैं अभी, बट ये ज़रूरी है अच्छे से मेकअप को ब्रेक करने के लिए, ये एकदम सही होता है। और मैं वाई सो सीरियस, ओके। अब इसको निकालने के लिए मैं अपना वेट वाइप यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कॉटन पैड भी यूज़ कर सकते हो। आई एम एक्चुअली लुकिंग लाइक जोकर फ्रॉम द क्रिस्टोफर नोलन्स डार्क नाइट मूवी से मैं एक्चुअली जोकर लग रही हूँ। ऑल द जोकर फैंस इन द हाउस, इफ यू आर जोकर फैन गिव दिस वीडियो थम्स अप। अब मैं इसको एक कॉटन पैड में लेके पूरे फेस पे लगा के अपना बीबी क्रीम जो लगाया फेस में उसको ब्रेक करूँगी। आप सबको पता है कि मेरा स्किन इज एक्नी प्रोन और पिम्पल्स ब्रेकआउट आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स, आर ऑलवेज विथ मी। सो आप मेरे ऊपर सीरियसली ट्रस्ट कर सकते हो कि ये जो प्रोसीडियर है ये सच में सेफ है। मैं अपने स्किन को और डैमेज कभी नहीं करना चाहूँगी, इसलिए मैं मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत आराम से यूज़ करती हूँ। और इसलिए मैं जो प्रोडक्ट्स या जो स्किन केयर टिप्स सजेस्ट करूँगी हमेशा अपनी स्किन केयर और मैं सोच कर ही करूँगी। तो ऑर्गेनिक ऑयल, सेंसिटिव स्किन पीपल, ऑर्गेनिक ऑयल इज़ वॉट यू शुड यूज़ ऑलवेज। काफ़ी सही जॉब किया है। मेरे पास जो है ये सत्वा का है और वो काफ़ी ठीक है, मतलब क्योंकि ये पैराबेन फ्री, केमिकल फ्री ऑयल है तो ऑयल सच में अच्छा है। इट रियली रिमूव्स ऑल माई मेकअप एंड वाला आई एम डन, मेकअप इज़ गॉन, क्लेंजिंग इज पार्ट इज़ गॉन। मैंने अपने हाथ में एक नया फेस पैक लिया जिसमें बेसन है एंड ग्राम फ्लावर है, पिसा हुआ मसूर डाल है, उसमें थोड़ा पानी लग के मैं अब इसको अपने फेस में यूज़ करूँगी। इस पेस्ट को मैं लगाऊँगी अपने फेस पे, फिर पेस्ट लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये फेस पैक अपने फेस पे लगाया, लेट इट ड्राई नाउ।
ये है मेरा करंट स्किन केयर रूटीन। मेकअप रिमूव करने के बाद इसको मैं एज अ फेस पैक, फेस क्लेंजर, फेस वॉश की तरह बेसन एंड ग्राम फ्लावर पीस के यूज़ करती हूँ। ये भी मैंने वीडियो पहले बनाई है एक्चुअली बॉडी पॉलिशिंग का, वो मैं लिंक यहाँ पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी घर पर बनाने के लिए। लेट इट ड्राई फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन आई कम एंड शो यू द नेक्स्ट स्टेप। ओके ग्रेट, अभी जैसे देख सकते हो मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड फेस फील्स really good after removing all that makeup. My face is not very makeup friendly. By the way, जो स्किन केयर रूटीन मैं दिखा रही हूँ हर तरह के स्किन टाइप कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव ड्राई हो, नॉर्मल ड्राई हो, सेंसिटिव स्किन, एनी स्किन टाइप कैन डू इट। एंड हमेशा टावल साफ रखे, ये फेस टावल शुड बी क्लीन। ठीक है, उसके बाद स्टोनिंग। अब मैं अपने घर पे बनाती हूँ एप्पल साइडर विनेगर टोनर, जिसमें से मैं 1/4 एप्पल साइडर विनेगर और 3/4 डिस्टिल वाटर लेके इसको बनाती हूँ। तो ये वो अपने कॉटन पैड में लेके, एक चीज़ पता मैं उसको बताऊँ, इस तरह के जो कॉटन पैड्स होते हैं ना वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत सही होता है। पहले मैं जो नॉर्मल नहीं कॉटन पैड्स होते थे वो गोल गोल वाले, वो यूज़ करती थी, और आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ अपने फेस क्लीन करने के लिए। मुझे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बेटर लगता है क्योंकि सेंसिटिव स्किन है, पिंपल्स हमेशा होते ही रहते हैं, एक्ने प्रोन स्किन है, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है मेरे सेंसिटिव स्किन के लिए। अब मैंने टोनिंग कर ली है, टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एप्पल साइडर विनेगर टोनर मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे स्कार्स और एक्ने मार्क्स के लिए बहुत बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मेरे बहुत मतलब मेरे को बहुत रिलीफ मिला है एप्पल साइडर विनेगर टोनर के साथ, बहुत ही बढ़िया। आई कैनॉट इवन टेल यू हाउ मच इट गिव मी रिलीफ, बट ये प्रोसेस स्लो है, ठीक है, और आप मतलब कभी छुपट दोगे तो फिर इट्स कम बैक, सो ये ध्यान में रखें। लास्ट प्रोसेस इज मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग, जिसके लिए मैं एलोवेरा जेल यूज़ करने वाली हूँ। आप या अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो आप एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क बना सकते हैं, जिसके लिए आप एक चम्मच दही ले लीजिए, ऐसा आप उसको पानी के साथ थोड़ा सा हल्का घोल के आप फेस पे लगा सकते हैं, अदर फेस पैक। या फिर दही भी सूट नहीं करती है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज हनी, थोड़ा सा हनी लेके फेस पे लगा दीजिए एंड देन वॉश इट ऑफ, तो आपका फेस एज इट इज मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा। मैं तो एलोवेरा ही लगाऊंगी क्योंकि इट सूट्स माय स्किन टाइप। तो बस, और लास्ट स्टेप, मैं एलोवेरा लगाऊंगी अपने फेस में, एक चम्मच एलोवेरा, जो ओरिजिनल एलोवेरा, बिट ऑफ ओरिजिनल एलोवेरा ऑन माय फेस फॉर मॉइस्चराइजेशन, एंड दैट इज इट। दिस कंप्लीट्स माय करंट स्किन केयर रूटीन विद प्रोडक्ट सो चीप एंड रेडीली अवेलेबल एट योर होम। जैसे मैंने ऑल्टरनेटिव सारे के सारी चीज़ों के ऑल्टरनेटिव बता दिया आपको, एलोवेरा सूट नहीं होती है तो दही या फिर शहद, मधु कैसे आप यूज़ कर सकते हो, हनी। नाउ दीज आर नेचुरल प्रोसेस, ये टाइम कंज्यूमिंग है बट ये सेफ है, इट डजेंट एग्रीवेट अदर थिंग्स ऑन योर फेस। तो ये हो गई मेरी सिंपल स्किन केयर रूटीन अंडर ₹10 कम्प्लीट। अभी आपको मेरा बेयर नेकेड फेस दिख रहा है जो यूजुअली मैं दिखाती हूँ विथ माई स्पॉट्स एंड एवरीथिंग, बट इट्स ओके, एक्सेप्टेड माई स्किन एज इट इज़, एंड बेस्ट थिंग इज टू लव योर स्किन एज इट इज़। जितना आप स्ट्रेस लोगे ना, पिम्पल्स है, स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स ये, उतना ही ब्रेकआउट होता है, मैंने देखा। जितना मैं सोचती हूँ यार क्यों क्या, उतना ज़्यादा 1, 2, 3, 4 आ जाते हैं। तो थोड़ा काम डाउन, थोड़ा काम डाउन करो, ये हार्मोनल है, एडल्ट एक्ने है, कोई बात नहीं। एडल्ट एक्ने के ऊपर कभी मैं भाषण देने वाली एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया है अबाउट एडल्ट एक्ने एंड देयर प्रॉब्लम्स, एंड दे लाइक द फैक्ट दैट आई कम ऑन स्क्रीन विद माय नेकेड फेस, सो थैंक यू सो मच, एंड यू शुड डू टू। ये स्किन ही है आपकी, चाहे कैसे भी हो, काला हो, गोरा हो, सफ़ेद दाग हो, धब्बे हो, मतलब पिम्पल्स हो, झुइया हो, रिंकल्स हो, कुछ भी हो, यू हैव टू लव इट, अदरवाइज इट नेवर लव यू बैक। कभी कभी अब मैं सोचती हूँ कि हमारी मम्मी या दादी नानी की जो स्किन थी वो कितने फ्लॉलेस होते थे यार, कितने। अभी भी मेरी मम्मी या दादी को देख लो, इस उम्र में भी, माई दादी 80+, 85, उनका मतलब दे हैड लाइक द बेस्ट स्किन, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग एंड लुकिंग एट देयर स्किन, हमेशा इतने सही स्किन से। उन्होंने क्या किया था, हमेशा ऐसे घरेलू नुस्खे ही अपनाए, दही लगाती थी मेरी दादी, तो हमेशा मैंने बचपन से और मेरी मम्मी को दोनों को मुंह पे सिर्फ दही लगाते हुए ही देखा है पिगमेंटेशन के लिए, एंड जेन्युइनली दीज थिंग्स वर्क फॉर देम।
हम जैसे हमारे जनरेशन जैसे मैं जैसे हो गई हूँ, मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स आ गए क्योंकि उनके ज़माने में इतना कुछ होता भी नहीं था। इतने प्रोडक्ट्स आ गए, हम कितना ट्राई करते फलाना दिमाग करते करते स्किन भी तो थक जाती है ना एट द एंड ऑफ द डे। अगर मेरी मम्मी को पूछ लो तो वो तो आज भी यही कहती है कि मेकअप की वजह से मेरा स्किन गया। बट कम ऑन मम्मा, इतना भी नहीं। अब मेकअप मैं छोड़ने से रही तो स्किन केयर ही कर लूँ। एनी वे, दैट इज जस्ट सिंपल रेंट। सो आई होप यू एन्जॉय दिस सिंपल माई करेंट स्किन केयर रूटीन। फेस वॉश बंद करने का क्या नतीजा होगा ये मैं आपको एक महीने बाद बताऊंगी, अगर कुछ फ़ायदा मुझे हुआ भी या नहीं हुआ। बट एज ऑफ नाउ माई स्किन फील्स क्वाइट नाइस, मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड एंड ऑल ऑयली ड्राई स्किन पीपल कैन डू इट। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो थोड़ा सा बोरोलिन भी आप ड्राई पैचेस पे या हल्का सा बोरोलिन लेके लगा सकते हो, या फिर आपकी निविया मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिए। होटो के लिए अपने कोकोनट ऑयल या बोरोलिन लगा लो। तो दैट इज़ इट। आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो। इफ़ यू डिड, लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।